नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशि शुक्ला। और करेंगे खबरों का लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड के युवाओं के लिए राहत भरी खबर, यूके SSSC की 5 परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले पर दोबारा सोच रही है सरकार। सीएम ने आपदा से नुकसान और पुनर्वास की समीक्षा। सीएम धामी ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए दिए निर्देश, आपदाग्रस्त क्षेत्रों का विवरण तैयार करने का निर्देश। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बीजेपी सरकार पर तंज, कहा कोविड के दौरान भी बड़े पूंजीपतियों का हजारों करोड़ का कर्ज सरकार ने माफ किया। उत्तराखंड में सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों का किया जाएगा सर्वे, सरकार ने लिया निर्णय, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने दी जानकारी। चंपावत के SDM लापता, प्रशासन से लेकर शासन तक पहुंचा हड़कंप, तलाश में जुटी पुलिस की 3 टीमें। उत्तराखंड में कोरोना से मिले राहत। उत्तराखंड में कोरोना से मिली राहत, पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 20 मामले, 38 हुए स्वस्थ। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच आपको हरिद्वार से खबर बता देते हैं। जितेंद्र त्यागी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। हरिद्वार से खबर, जहां पर जितेंद्र त्यागी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, धर्म संसद हेट स्पीच मामले में मिली सशर्त जमानत। हेट स्पीच मामले में हरिद्वार जेल में बंद हैं जितेंद्र त्यागी। जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ से मिली है राहत। हरिद्वार से खबर, जितेंद्र त्यागी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, धर्म संसद हेट स्पीच मामले में मिली सशर्त जमानत। जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ में मिली जमानत। हरिद्वार से खबर, जितेंद्र त्यागी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ में मिली जमानत। हेट स्पीच मामले में हरिद्वार जेल में बंद हैं जितेंद्र त्यागी। जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ में मिली राहत। हेट स्पीच मामले में हरिद्वार जेल में बंद हैं जितेंद्र त्यागी। खबर काशीपुर से है, जहां पर जनपद उधम नगर के काशीपुर में वन विभाग और खनन वाहन स्वामियों में चेकिंग के दौरान धक्का मुक्की देखने को मिले, जिसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। वन विभाग की टीम काशीपुर की 4 लेन पर चेकिंग करने पहुंची थी। प्राइवेट वाहन से बिना वर्दी के वन विभाग के कर्मचारी खनन की गाड़ियों को रोक रहे थे, जिससे वाहन स्वामी बौखला उठे और वन विभाग की टीम और खनन वाहन स्वामी गर्मा गर्मी होने लगी। वन विभाग की टीम के साथ वाहन स्वामी धक्का मुक्की करने लगे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वाहन स्वामियों का आरोप है कि प्राइवेट वाहन से प्राइवेट लड़कों के साथ मिलकर बिना ड्रेस कोड के वन विभाग की टीम डंपर भी रोकती है। दिखाओ।
देखिए, ये सूचना आ रही थी कि उपखनिज का अवैध अभिवहन किया जा रहा है, तो उसमें एक संयुक्त टीम बनाई गई थी उपप्रभागीय वनाधिकारी जसपुर के नेतृत्व में, जिसमें दक्षिणी जसपुर रेंज के स्टाफ थे और वन सुरक्षा दल और काशीपुर रेंज के स्टाफ भी थे। इनके द्वारा कल कुल 3 वाहनों को उपखनिज का अवैध अभिवहन करते हुए पकड़ा गया है। और वहाँ मौके पे कुछ अज्ञात लोग थे जिनके द्वारा इस तरह से कुछ बहसबाजी हो रही थी, तो उसमें फिर वहाँ जो संबंधित पुलिस विभाग के कार्मिक हैं उनको भी बुलाया गया था, और फिर उसमें जो है नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही। स्वतंत्र सेवा समिति के नशा मुक्त समाज अभियान के तहत राजकीय इंटर कॉलेज में प्रतिज्ञा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभासद रवि रस्तोगी ने प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों के साथ छात्रों को नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा दिलाई। उन्होंने कहा कि आज हम एकजुट होकर स्वतंत्र सेवा समिति के नशा मुक्त समाज अभियान के तहत ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि ना केवल हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त बल्कि खुद का भी ध्यान रखेंगे। डोईवाला के निजी कंप्यूटर सेंटर में कौशल विकास के तहत संचालित कोर्स का निरीक्षण करने महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंधवाल पहुंचे। इस अवसर पर महिला संवाद और सम्मान कार्यक्रम में भाग लेकर तमाम सामाजिक क्षेत्र में शानदार वर्क करने वाली महिलाओं और युवतियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं और युवतियों को संबोधित करते हुए महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंधवाल ने कहा कि आज महिलाएं और लड़कियां हर क्षेत्र में अपनी मेहनत से पहचान बनाकर अपने पैरों पर खड़ी हैं। ऐसे समाज भी हमारे बीच में है, और तो एक बार जुड़ गया सारी डॉक्टर ममता कुमारी से, और आपसे निवेदन है कि आप संक्षेप में अपनी बात रखेंगे डॉक्टर ममता कुमारी। ममता कुमारी, आज मैं कहूँ कि महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, और जो सरकार की योजनाएं होती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की योजनाएं होती हैं, तो वो वास्तव में जमीन में पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, इसकी मॉनिटरिंग करना हम सबकी जिम्मेदारी बन जाता है कि सरकार जो योजनाएं महिलाओं, विशेष रूप से महिलाओं के लिए। मैं आज देख रही हूँ, मुझे अच्छा भी लगा है कि यहाँ पर अपनी बहनें चाहे सिलाई हो चाहे फैशन डिजाइनिंग हो अच्छा काम करें। खबर विकासनगर से है, जो आप पर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले बयान से चर्चाओं में आए आकिल अहमद ने ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर अपना बयान मीडिया को जारी किया है। वहीं आपको बता दें कि आज जिला सत्र न्यायालय वाराणसी द्वारा ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद पर मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार की गई, जिस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आकिल अहमद ने कहा कि हम देश की न्याय प्रक्रिया का सम्मान करते हैं और जो न्यायालय का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। अगर अगर फैसला आ भी जा, देखो समझदारी इसमें फैसला आ भी जाए तो शांत तरीके से दूसरे की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, ऐसे हिसाब से जो है ज्ञान अपनी मस्जिद में जो है जो विवाद चल रहा है उसमें दोनों पक्षों ने याचिका जो है जो वाराणसी कोर्ट है जिला कोर्ट उसमें दोनों जो है वह अपने अपनी सुनवाई के लिए बोला था, तो उसमें जो मुस्लिम पक्ष की याचिका है वो खारिज कर दी कोर्ट ने, और जो हिंदू पक्ष है उसकी स्वीकार कर ली जो याचिका जो है, और अगली सुनवाई के लिए 22 तारीख जो है दी गई इसमें जो है ना सुनवाई के लिए जो है। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि ना वैसे कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, हमारे जो देश की जो है न्याय है न्यायालय है उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मैं इसमें यही कहूँगा कि यदि कोर्ट जो है दोनों की याचिका अगर स्वीकार करता और उसमें बाद में अपना डिसीजन देता तो ज़्यादा अच्छा होता जो है। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में हुए शराब कांड के बाद फूलगढ़ और चिपगढ़ गांव में राजनेताओं के दौरे शुरू हो गए। वहीं सोमवार को कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के दौरे के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी शाम को इन दोनों गांव में पहुंचे। सांसद निशंक ने मृतकों के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि शराब पीने के बाद बीमार हुए ग्रामीणों के इलाज की पूरी व्यवस्था की जाए। उन्होंने दावा किया कि शराब पीने से जिन ग्रामीणों की मौत हुई है उनके परिजनों को सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर से चेतावनी दी है कि इस कांड के दोषियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। उन पारिवारिक जनों को किस तरीके से हम सहयोग कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर एसडीएम को भी बताया है अभी, और ये डॉक्टर ही दोनों अभी प्रशासन और चिकित्सा इन दो के बीच है। जो लोग थोड़ा सा ऐसी वो मिलेगा कि उन्होंने किसी ने भी थोड़ा सा भी सेवन किया होगा, उसको तत्काल इस समय चिकित्सा की ज़रूरत होगी।
तो डॉक्टर्स को इनके एक पूरा कैंप कर रहे हैं ये, और दूसरी ओर जो मदद हो सकती है वो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है, और यहाँ के स्तर पर हम जो जो कर सकते हैं हर हालत में करेंगे। और खबर अक्सर से जहां पर फूलगढ़ और शिवगढ़ गांव में हुए शराब कांड ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। दोनों गांव में कई दिनों से मातम पसरा हुआ है। आसपास के ग्रामीण और नेता मृतक परिजनों के यहां पहुंचकर संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं, लेकिन सरकार के किसी भी नेता द्वारा गांव में अभी तक कदम रखने की तो बात दूर की है, कोई मुआवजे तक की मांग नहीं की है, जिसको लेकर सरकार के प्रति ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। देखिए, जिस तरीके से जहरीली शराब को परोसा गया और उससे लगभग 11 लोगों की अकाल मृत्यु हुई है, बहुत ही दुखद और पीड़ादायी घटना है। मैं उन तमाम परिवारों के घर पर गया था जिन्होंने अपने परिजन को खोया, तो स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत गरीब लोग हैं। और मैं समझता था कि सरकार संवेदनशील होगी, लेकिन यहाँ आकर के जो मंजर सामने आया है तो सरकार असंवेदनशील है। सरकार द्वारा इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए, और जो लोग जहरीली शराब के सेवन से अस्पताल में भर्ती हैं उनके स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति भी सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो इससे बड़ा गंभीर विषय और क्या हो सकता है। और हालत तो ये है कि जिला अधिकारी का मैं कल समाचार पत्रों में बयान देख रहा था कि शराब पीकर के कोई मृत्यु नहीं हुई, तो भाई ये तो मैं समझता हूँ कि कैसा प्रशासन हरिद्वार में चल रहा है इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जो लोगों ने मुझे कहा कि इस क्षेत्र में जो है आज तो चुनाव है, लेकिन जब चुनाव भी नहीं होता है व्यापक स्तर पर बड़े पैमाने पर जो है वो शराब बनती है। और जनपद पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा के लक्ष्मण झूला में थाना क्षेत्र अंतर्गत नशे में धुत हरियाणा के युवक ने हुचर बजाते हुए एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाल बचे बाइक सवार ने जब कार को रोका तो दोनों पक्षों के बीच बहसबाजी हो गई। इस दौरान कार सवार महिला ने उतरकर बाइक सवार को थप्पड़ पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। विवाद इतना बढ़ा तो मामला थाने पहुंच गया। पुलिस ने मेडिकल कराया तो कार चला रहे युवक के द्वारा शराब पिए जाने की पुष्टि हुई है। लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष सिंह ने बताया है कि पुलिस ने युवक के खिलाफ चालान काट कर ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के प्लास्टिक से निर्मित कचरे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। वहीं जिलाधिकारियों द्वारा कोर्ट में दिए गए शपथ पत्रों में नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार द्वारा इसके निस्तारण के लिए कोई कानूनी कदम नहीं उठाए गए। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की गठित कमेटी को पक्षकार बनाते हुए कहा कि आज के बाद जो भी कंपालियंस होंगे उनके लिए कमेटी जिम्मेदार होगी। साथ ही कोर्ट ने सभी डीएफओ को निर्देश जारी किए कि वो अपने क्षेत्रों में आने वाली वन पंचायतों का मैप बनाकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे और एक शिकायत ऐप भी बनाएंगे। कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए बहुत सारी। एक तो जो जिलाधिकारियों द्वारा शपथ पत्र दायर किए गए थे उससे माननीय न्यायालय संतुष्ट नहीं था, और कोर्ट का ये भी कहना है कि ये समस्या बहुत बड़ी है स्टेट के अंदर और जो कानूनी कदम होने चाहिए थे इसको निस्तारण के लिए वो नहीं उठाए गए हैं। तो कोर्ट ने डायरेक्शन किए हैं कि जो एक्ट में और पुराने ऑर्डर्स में जो डायरेक्शंस हैं उनको कंप्लीट पहले कंप्लाई करें। सेकेंडली, कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिए कि जो स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी एक बनाई गई है राज्य सरकार द्वारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, उसको इसमें पक्षकार बनाया गया और उन्हीं को ये जिम्मेदार बनाया गया कि इस हियरिंग में आज के बाद जो भी डायरेक्शंस होती हैं उनकी कंप्लायंस के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होंगे। मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद हरिद्वार में चलाए जा रहे नशा मुक्ति देवभूमि अभियान के तहत एवं आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत थाना बहादुराबाद क्षेत्र में संदिग्ध स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान चलाने के बाद रेगुलेटर पुल से
पुल से आगे जाने वाले रास्ते में कार सवार एक अभियुक्त को कार के अवैध देसी शराब के परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 3 पेटी देसी शराब बरामद हुई है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। जुलाई 2022 को जोशीमठ तहसील के हेलन गांव की घसियारी महिलाओं के साथ तहसील प्रशासन और पुलिस की ज्यादती का वायरल वीडियो हुआ, जिस पर उत्तराखंड क्रांति दल ने रिपोर्ट तैयार की है। बता दें कि उत्तराखंड क्रांति दल नेता जी के जोशी द्वारा 43 बनों की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रशासन और पुलिस की जोर जबरदस्ती से ग्रामीण जनता के अधिकारों पर सभी नियमों और कानूनों को ताक पर रखकर पूंजीपतियों के लाभ के लिए सब किया गया, लिहाजा आरोपों की जांच रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय जांच कमेटी द्वारा की जाए। पार्टी स्तर पे कमेटी कर चुकी है ना, पार्टी स्तर पे एक लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष जी ने यह निर्णय लिया कि वहां पर एक फैक्ट फाइंडिंग टीम जाए और उन तथ्यों की जो है वहां जांच करे कि क्या वास्तविक स्थिति है। तो उस पर आज हमने जो है 43 पेज की एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट, जो कि मैं डीके जोशी और हमारे साथ रमेश चंद पांडे कृषक जी के द्वारा संयुक्त टीम की रिपोर्ट आज हमने उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष जी को सौंप दी है। गौचर पनघट की जो जमीन पर आप अन्य उपयोग नहीं कर सकते, वहां पर मैदान बनाने के लिए मकिंग की परमिशन दी गई, वह बिल्कुल गलत है। उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करके वो दंडात्मक और प्रशासनिक कार्रवाई उनके साथ की जाए, ये हमने इसमें संशोधन की है। और यहाँ रुके, छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। Servcon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servcon, rakhe sab control mein. Dekhe, kaun naya khiladi aaya hai. Samjha dete hain. Pyar se samjhayenge. Ye to apni zubaan hai. Zubaan ek ho, to dil bhi ek hone chahiye. Vimal. बोलो जुबा केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ केनी इंडिया। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन पढ़ी जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको ले चलते हैं गोरखपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। आज युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज की 53वीं पुण्यतिथि का पावन आयोजन है। इस अवसर पर गोरखस्पीठ में और गोरखस्पीठ से संचालित विभिन्न संस्थाओं में इस प्रकार का आयोजन श्रद्धांजलि समारोह के रूप में आयोजित हो रहे हैं। आज के इस गोरखस्पीठ में आयोजित आज के इस समारोह में उपस्थित पूज्य संतजन अयोध्या धाम से पधारे जगतगुरु रामानुजाचार्य, पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज, सुग्रीव किलाधीश
अयोध्या धाम से पधारे जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, काशी से पधारे पूज्य स्वामी राम कमल वेदांति जी महाराज, योगी महासभा के हमारे उपाध्यक्ष और शेखावटी बाबा अमृतनाथ आश्रम से पधारे, राजस्थान से पधारे श्री महंत नरहरिनाथ जी महाराज, योगी महासभा के महामंत्री हरिद्वार से पधारे श्री महंत चेताईनाथ जी महाराज, जूनागढ़ गुजरात से पधारे श्री महंत शेरनाथ जी महाराज, सांगल हरियाणा से पधारे श्री महंत शेरनाथ जी महाराज, कालकाजी मंदिर दिल्ली से पधारे श्री महंत सुरेंद्रनाथ जी महाराज, मंच पर उपस्थित हमारे सभी पूज्य संतजन, दुग्धेश्वरनाथ मंदिर गाजियाबाद से पधारे महंत नारायण गिरी जी महाराज, नेमी सारण्य स्वामी से पधारे स्वामी विद्या चैतन्य जी महाराज, कर्नाटक से पधारे योगी कमल चंदनाथ जी महाराज, योगी देवनाथ जी, महंत रामबिलन दास जी और अन्य सभी पूज्य संतों के साथ ही इस सभागार में उपस्थित हमारे यहाँ के लोकप्रिय जनप्रतिनिधिगण, यहाँ के लोकप्रिय सांसद भी हैं, यहाँ के विधायकगण हैं, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण हैं, विद्वत जन हैं, गोरखपीठ के भक्तगण हैं और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं के सभी प्राचार्य आचार्यगण, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के पदाधिकारी अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह जी और सभी उपस्थित छात्र छात्राएं, महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 53वीं पुण्यतिथि पर माणा प्रताप शिक्षा परिषद और गोरखपीठ की ओर से पूज्य संतों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि यहां पर अर्पित की गई। विगत एक सप्ताह से एक कार्यक्रम यहां पर चल रहे हैं। प्रातःकालीन सत्र में देश और समाज से जुड़ी हुई ज्वलंत समस्याओं को लेकर के एक समसामयिक संगोष्ठी का आयोजन विगत एक सप्ताह से यहाँ पर निरंतर चल रही थी और अपराह्न में यहाँ पर ज्ञान यज्ञ के रूप में श्री राम कथा का आयोजन का श्रवण करने का आनंद यहाँ के श्रद्धालुजनों को भी प्राप्त हो रहा है। आज सायंकालीन सत्र में साप्ताहिक श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का विराम भी होगा। विभिन्न जिन समसामयिक विषयों को लेकर के, जिन बातों को लेकर के महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने, महंत अवैधनाथ जी महाराज ने, गोरखपीठ के पूज्य संतों ने अपना पूरा जीवन जिया था, उनका अनुसरण करते हुए देश समाज और लोक कल्याण के उन प्रकल्पों को आगे बढ़ाते हुए कितना हम आगे बढ़े हैं, कितना हमने कुछ किया है, इन्हीं सब बातों का आकलन करने और अपने पूज्य आचार्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए श्रद्धांजलि साप्ताहिक समारोह का एक कार्यक्रम गोरखपीठ में प्रतिवर्ष आयोजित होता है। सनातन हिंदू धर्म इस बारे में हमें हमेशा एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। हमारे यहां जब हनुमान जी लंका में जा रहे होते हैं
तुनसे मेनाक पर्वत के द्वारा जो प्रश्न पूछा जाता है वह सनातन धर्म की ही परिभाषा पूछी जाती है, आखिर सनातन धर्म है क्या। और उस समय उन्होंने बहुत सहजता के साथ एक बात कही थी कि किसी के द्वारा अगर आपके लिए कोई आप पे कृपा की गई है तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना ही कृते च प्रति कर्तव्यम ऐसा धर्म सनातन है। यानी सनातन धर्म किसी के द्वारा आप पर की गई कोई कृपा और उस कृपा के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करना, यह सनातन धर्म का पहला लक्षण। और मुझे लगता है इस बात को प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी बहुत अच्छी तरीके से जानता है, समझता है। कोई जीव कोई जंतु इस सृष्टि चक्र का, क्योंकि जीवन चक्र केवल मनुष्य से नहीं चलता है, जड़ और चेतन दोनों का जब बेहतर समन्वय होता है जब जीवन चक्र चलता है, जीवन चक्र को भी चलाने के लिए यहां पर वनस्पतियां भी हैं, हर जीव जंतु भी है, इन सब के महत्व को भी सनातन धर्म ने स्वीकार किया है। हम पृथ्वी सूक्त में जब संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड की शांति की कामना करते हैं तो यह भी हमारी कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक माध्यम है। इस सृष्टि और महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।